नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में झारखंड के अंदर रोहिंग्या घुसपैठों को लेकर एक बयान दिया था और इस बयान को लेकर झारखंड के साथ साथ देश की सियासत भी गर्मा गई। शाह ने ये कहा था कि आप झारखंड की सरकार बदल दो, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि एक एक रोहिंग्या घुसपैठिए को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकालने का काम करूँगा। शाह के इस बयान पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है और सोरेन ने ये कहा कि ये डेमोग्राफी खराब करने और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जाकर भारत सरकार का आंकड़ा निकाल कर देखें और ये पता चल जाएगा कि ये आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर घुसकर हमारे समाज को तोड़ने का किस तरह से काम कर रहे हैं। सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमर कुमार बहुरी ने यह कहा है कि 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयास से ही आज भारत गुलामी की मानसिकता को तोड़कर विश्व पटल पर अपनी पहचान को बढ़ा रहा, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों और आदिवासी समाज की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी इन्हें राज्य के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अस्मिता और परंपरा को स्थापित कर रहा। उसे हेमंत सोरेन अपने राज्य में प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही आज अपने अपने धर्म के साथ जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो आपको सहित आपके सारे लोग मूल धर्म खो चुके होते। और उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन जी, आप कितना वोट बैंक की राजनीति के कारण नीचे गिरेंगे, अपने अंतर मन की आवाज़ को ज़रूर सुने। शाह के घुसपैठी वाले बयान पर सोरेन ने कहा था कि मैं उनको कहना चाहूँगा कि जाकर भारत सरकार का आंकड़ा निकाल कर देखिए कि कौन सा ज़िला, कौन सा राज्य किस तरह से आंकड़ों में बदला हुआ है। जहाँ लोग एक साथ अमन चैन से रहते हैं वह इनको अच्छा नहीं लगता, जहाँ जहाँ लोग लड़ते हैं वहाँ इनकी राजनीतिक रोटी पकती है, इसलिए इनके गाँव में घुसने नहीं देना चाहिए। ये लोग पैसा, हड़िया, शराब और तमाम चीज़ों का उपयोग भी करते हैं। सोरेन ये भी कहा कि आरएसएस के लोग चूहे की तरह अंदर घुसकर हमारे समाज को तोड़ने का काम करेंगे। जब हमारे एक नेता हमारी पार्टी में थे तो वो 1932 की मांग करते थे और स्थानीयता की बात करते थे, लेकिन भगवा होते ही उनकी भाषा भी बदल गई। इन्हें भी आप लोगों को पहचानने की ज़रूरत है ताकि आने वाले चुनाव में हमारे लोगों से कोई भी गलती ये ना करवा सके, इन्हें करारा जवाब मिलना ही चाहिए। वहीं आपको बताएं कि राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता प्रमोद तिवारी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर ये कहा है कि एक मुख्यमंत्री का राज्य के लिए अपना अनुभव होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, लेकिन उन्होंने संगठन को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि ये कहावत है कि चूहा कुतर देता है, केवल वही बता सकते हैं कि उनका क्या मतलब था। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है, जिस तरह से उन्हें घेरा गया, जिस तरह से वहां संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, वे केवल आरएसएस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।